हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर विलियम बोरिक के होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सिना बम सीड वार्म सीड वर्म सीड के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह बाल बाल औषधि है, बड़े मोटे गुलाबी रंग के कंठकालिक प्रवृत्ति के और बहुत से लक्षण जो आंतों की उत्तेजना से संबंधित हों, जैसे पेट के कछुए और उसके साथ के अन्य रोग, मिजाज में चिड़चिड़ापन, चिल्लाना और हाथ पैर जोर से पटकना, सभी इस क्षेत्र में आते हैं। सीना का रोगी भूखा क्रुद्ध भद्दा होता है और भुलाया जाना पसंद करता है। झटके के साथ दर्द, चर्म छूना सहन न करे, मन या माइंड सिम्टम, बदमिजाज। बालक बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह नहीं चाहता कि कोई उसे छुपे या छुए या कोई उसे गोद में उठाए। वह अनेक चीज़ों की मांग करता है, परंतु जो कुछ भी उसे दिया जाता है वह उसे ठुकरा देता है। उसके मन में असाधारण टीस होती है कि उसने कोई पाप किया है। सिर में दर्द, हेडेक, सिर दर्द, उधर दर्द बारी बारी से, झुकने से कम हो, मेजेरियम 30 या 200, आँखों के प्रयोग से आया सर दर्द, में कोलोसिन 200, चाइना अर्थ 30 या 200, चाइना 30, बेलाडोना 200, स्फैजिलिया 30 या 200, लेफ्ट साइड हेडेक, राइट साइड हेडेक के लिए सेंगुनेरिया कैनाडेंसिस 30 या 200, देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। अगर बुखार है तो एक दिन खाना बंद कर दे, दूध चाय बतासा पानी उबाला, तीसरे दिन से 24 घंटा परहेज कर ले, फिर तीसरे दिन से दाल रोटी पानी उबाला, लौकी परवल कोहड़ा नेनुआ की सब्जी बिना मसाले की खाए, एक हफ्ता पानी उबाला पिए, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आँखें आइस पुतली फैली हुई, चीज़ें पीली देखना, हस्त मैथुन से आँखों की कमजोरी, उदर उत्तेजना के कारण ऐंचापन, आँखों पर जोर पड़ना, खासकर जब दूर दृष्टि आंचलिक हो, भौं की पेशियों में टपकन, कान या ईयर्स जैसे कोई खोद रहा है या खरोच रहा है, नोज या नाक, हर घड़ी नाक खुजलाना, रगड़ना और चुटकी काटना, चाहे नथनों में उंगली दे, यहाँ तक कि खून निकलने लगे, उसमें अरम ट्रिफलाइनम 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। उसमें तिल्ली का तेल नाक में लगाते रहे, उससे खुजली भी एकदम सही हो जाता है। चेहरा, गालों पर गोल गोल दाग, फेस, चेहरा पीला गर्म, आँखों के इर्द गिर्द काली रंगत के घेरे, चेहरे पर सर्द पसीना आए, मुंह के आसपास की रंगत नीली सी और सफ़ेद, सोते सोते दांत पीले, हाथों और चेहरे की पेशियों में खिंचाव आए, पेट या स्टमक, खाना खाने के बाद ही फिर भूख लगे, भूखा, खोदन कुतरन संवेदन, कौड़ी दर्द, सुबह उठते ही और खाने से पहले बड़े बड़े
खाने या पीने के बाद कह उल्टी या दस्त, साफ जबान के साथ कह उल्टी। मैं सेंटो 930 या 200 देने से, सिना 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। कोलोसिन 200, थर्मोमीला 30 या 200 देने से पेट दर्द में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। मैग्नीशिया फॉस 6, बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें खाने की इच्छा प्रबल। आमाशय अब्डोमेन, नाभि के आसपास मरोड़ के साथ दर्द, स्पाइजिलिया 30 या 200, अफारा आए और पेट कड़ा हो जाए। मल सफ़ेद स्टूल, सफ़ेद प्लेस्मा, अन्न के छोटे छिलकों की तरह, फिर चुटकी काटने ऐसा सूल, गुदा के खाज। ट्यूक्रियम 30 या 200 देने से भी कीड़े मरने लगते हैं। केचुए की दवा सबाडिला 30 या 200, नेप्था 30 या 200, नेट्रमफॉस 30 या 200 या 6x, सेंटोनाइन 30 या 200, सिना 30 या 200 देने से केचुआ बिल्कुल गायब हो जाता है। टेपवर्म, केचुआ, छोटे कीड़े सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, टट्टी के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। मल स्टूल सफ़ेद स्लेष्मा, अन्न के छोटे छोटे छिलकों की तरह, फिर चुटकी काटने ऐसा सूल, गुदा के में खाज। ट्यूक्रियम नेरम 30 या 200 देने से खुजली गायब हो जाती है, टट्टी के रास्ते की। या तिल्ली का तेल लगाते जाए। केचुआ के लिए सबाटीला 30 या 200, नेप्था 30 या 200, नेट्रमफॉस 6x या 200 या 30, सेंटोनाइन 30 या 200, सिना 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। कीड़े सारे मर जाते हैं, टट्टी के रास्ते से निकल जाते हैं। टेपवर्म में भी फ़ायदा करता है, टट्टी के रास्ते से टेपवर्म भी निकल जाता है। मूत्र या यूरिन गंदला सफ़ेद कुछ देर रखा रहे तो सफ़ेद हो जाए, पेशाब जो है सफ़ेद होने लगता है, जैसे फॉस्फेट आ रहा है, रात को अपने आप निकल जाए। बिस्तर पे पेशाब हो जाता है बच्चों में। स्त्री या फीमेल रजस्वला होने के पहले गर्भाशय से रक्तस्राव। श्वास या रेस्पिरेटरी सिम्टम, सुबह के समय गला घोटने वाली खांसी आए, काली खांसी, बार बार बहुत ज़ोर से खांसी आए, जैसे गले के नीचे से दौरा उठता हो। खांसी का अंत कमेड़े के रूप में हो। खांसी इतने ज़ोर से आती है कि आँख में आंसू आ जाते हैं और छाती दुखने लगती है, ऐसा लगे जैसे छाती में कुछ में से कुछ फाड़ा जा रहा। बसंत और हिमपात के दिनों अथवा नियत समय पर आने वाली खांसी, खांसते खांसते जो कफ मुंह में आए उसे फिर निगलना पड़े। खांसने के बाद गले से लेकर आमाशय तक गड़गड़ हो तो बच्चा बोलने या हिलने डुलने से डरता है, ताकि खांसी का दौरा न पड़ जाए। खांसने के बाद कराहे अधीर हो जाए, हाँफे, मुंह खोलकर सांस ले और पीला पड़ जाए। हाथ पाओ या एक्सट्रीमिटी। धन्यवाद दोस्त।